दोस्तों आखिर इस बंदे को केबीसी में जीते सारे पैसे क्यों देने पड़े। दरअसल आपको पता ही होगा कि इंडिया में केबीसी चलता है और ऐसा ही अमेरिका में हु वांट्स टू बी मिलीनियर चलता है। तो क्या हुआ कि 2001 में हु वांट्स टू बी मिलीनियर के सेट 50 नाम का एक बंदा है जो कि एक आर्मी ऑफिसर भी था, वो गेम खेलने लगा और जब उसको कोई आंसर नहीं पता होता तो वो लाइफलाइन चूज कर लेता। तो गेम खेलते खेलते टाइम अप हो गया जिसके बाद वो दूसरे दिन सेट पर आया और गेम खेलने लगा। तो वे बेझिझक सारे क्वेश्चन का आंसर देने लगा, वो भी बिना किसी लाइफलाइन को यूज किए, और $1 मिलियन जीत भी गया। बट पिक्चर तो अभी बाकी थी। असल में उसने वो गेम खुद के दम पर नहीं बल्कि चीटिंग के दम पर जीती थी। वो कैसे? सुनो, क्या है कि चार्ल्स ने अपने वाइफ के साथ मिलकर एक सेटिंग कर रखी थी कि क्वेश्चन सुनते ही तुम गूगल कर लेना और जब मैं आंसर पढ़ूंगा और जो ऑप्शन सही होगा उस पर तुम खास देना। और उसकी वाइफ ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसको जब भी कोई क्वेश्चन हार्ड लगता तो ये ऑप्शन पढ़ता और इसकी वाइफ सही आंसर पर खास देती, और ऐसा करके इसने $1 मिलियन जीत गया। और WWM के प्रोड्यूसर ने इसके काले कारनामे को समझ गए थे, इसलिए इन भाई साहब के गेम में जीते सारे पैसे को वापस ले लिए गए और इन दोनों को जेल भी जाना।